महात्मा गांधी जी की जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी। उनका कोई काम किसी से छिपा कर करना या बिना किसी को इत्तला दिए करना ये मुमकिन ही नहीं था, लेकिन इस खुलेपन की वजह से गांधी जी की जिंदगी को खतरा भी कम नहीं था। जो इतिहास में दर्ज है उसके हिसाब से उन पर 6 बार जानलेवा हमले हुए, 6ठी बार उनकी जान चली गई और इसके पहले के 5 प्रयास बेकार गए। आखिर ये 5 प्रयास उनकी हत्या के लिए कब कब किए गए, आइए जानते हैं पूरी उनकी हत्या की साजिश के 5 प्रयासों के बारे में पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा लेना ताकि आपको ऐसी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर पहला हमला 1934 में पुणे में हुआ था। उन्हें एक समारोह में जाना था, तभी वहां लगभग एक जैसी 2 गाड़ियां आई, एक में आयोजक थे और दूसरी में गांधी और कस्तूरबा गांधी यात्रा करने वाले थे। आयोजकों की कार निकल गई और गांधी की कार एक रेलवे फाटक पर रुक गई। जो कार आगे निकल गई थी एक धमाके में उसके परखच्चे उड़ गए। गांधी उस हमले में बच गए क्योंकि ट्रेन देर से आई। अगर गांधी जी पर दूसरे हमले की बात करें तो गांधी जी पर दूसरा हमला 1944 में आगा खां पैलेस से रिहाई के बाद गांधी पंचगढ़ी जाकर रुके थे और वहां कुछ लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उनमें से कोई बात करने को राजी नहीं था। आखिर में एक आदमी छुरा लेकर दौड़ पड़ा और उसे पकड़ लिया गया। ये हमला भी नाकाम हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर तीसरा हमला 1944 में ही पंचगढ़ी की एक घटना के बाद गांधी और जिन्ना की बंबई में वार्तालाप होनी थी। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के लोग इससे नाराज थे। वहां भी गांधी पर हमले की कोशिश हुई, वो भी नाकाम रही। और अगर चौथी घटना की बात करते हैं तो 1946 में महाराष्ट्र के नेरूल के पास गांधी जिस रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे उसकी पटरियां उखाड़ दी गई थी। ट्रेन उलट गई, इंजन कहीं टकरा गया लेकिन गांधी को उसमें कोई खरोंच नहीं आई। अगर महात्मा गांधी जी के पांचवें हमले की बात करते हैं तो 1948 में 2 बार हमले हुए। पहले मदन लाल बम फोड़ना चाहते थे, वो फटा नहीं और लोग पकड़े गए। 30 जनवरी 1948 को 6ठी बार नाथूराम गोडसे ने गोली चलाई और गांधी की जान चली गई। इसमें एक खास बात यह है कि एक आदमी इनमें से 4 हमलों की जगह पर मौजूद था जो हर 4 हमलों में लगातार शामिल था, उसका नाम था नाथूराम गोडसे। लेकिन इतिहास के पन्नों को उठाकर अगर देखें तो इन 6 हमलों के अलावा गांधी जी की जान लेने के 2 और प्रयास किए गए। वो दोनों प्रयास चंपारण में 1917 में हुए। महात्मा गांधी मोतिहारी में थे, वहां नील फैक्ट्रियों के मैनेजर के नेता इरविन ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया और सोचा कि अगर इस दौरान गांधी को खाने पीने की चीजों में कोई ऐसा जहर दे दिया जाए जिसका असर कुछ देर से होता हो तो उनकी नाक में दम करने वाले इस आदमी की जान भी चली जाएगी और उनका नाम भी नहीं आएगा। ये बात उस समय बताई थी इरविन के यहाँ काम करने वाले बत्तख मियां अंसारी को। बत्तख मियां से कहा गया कि आप वो ट्रे लेकर गांधी के पास जाएंगे। बत्तख मियां का छोटा सा परिवार था, बहुत कम जोत के किसान थे, नौकरी करते थे, उससे काम चलता था, मना नहीं किया, ट्रे लेकर चले गए। लेकिन जब गांधी जी के पास पहुंचे तो बत्तख मियां की हिम्मत नहीं हुई कि वो ट्रे को गांधी जी के सामने रख दे। गांधी ने उन्हें सिर उठाकर देखा तो बत्तख मियां रोने लगे इस तरह सारी बात। और जब गांधी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, काहे को तुम रोने लगे, तो बत्तख मियां ने सारी बात कबूल कर दी। ये किस्सा महात्मा गांधी की जीवनी में कहीं नहीं है। चंपारण का सबसे प्रमाणिक इतिहास मानी जाने वाली राजेंद्र प्रसाद की किताब में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन लोक स्मृति में बत्तख मियां अंसारी एक
सेलिब्रेटेड आदमी है और कहा जाता है कि वो ना होते तो इस देश का इतिहास अलग ही होता। तक मियां का कोई नाम लेवा नहीं बचा, उनको जेल हो गई, उनकी जमीनें नीलाम हो गई। 1957 में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, वो मोतिहारी गए, वहां एक जनसभा में उन्होंने भाषण दिया, उन्हें लगा कि वे दूर खड़े एक आदमी को पहचानते हैं, उन्होंने वहां से आवाज लगाई, बत्तख भाई कैसे हो। बत्तख मियां को मंच पर बुलाया और एक किस्सा लोगों को बताया और उनको अपने साथ ले गए। बाद में बत्तख मियां के बेटे जान मियां अंसारी को कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति भवन में बुलाया। बिहार सरकार को एक खत लिखा कि चूंकि उनकी जमीनें चली गई हैं तो उन्हें 35 एकड़ जमीन मुहैया कराई जाए। ये बात 65 साल पुरानी है। वो जमीन बत्तख मियां के खानदान को आज तक नहीं मिली। महात्मा गांधी से जुड़ा एक पुराना किस्सा और भी है जो लोगों की नजरों से उछल रहा। चंपारण में गांधी की हत्या की एक कोशिशें नाकाम हो गई तो एक और अंग्रेज मिल मालिक था, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि गांधी अकेले मिल जाए तो मैं उन्हें गोली मारूंगा। ये बात गांधी तक पहुंच गई। गांधी उसी के इलाके में थे। अगली सुबह गांधी अपनी सोटी लिए हुए उसकी कोठी पर पहुंच गए। उन्होंने वहां चौकीदार से कहा कि उस अंग्रेज को बता दो कि मैं आ गया हूं और मैं अकेला हूं। लेकिन अंग्रेज ने डर के मारे कोठी का दरवाजा नहीं खोला। तो ऐसे थे गांधी जी। गांधी जी की छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।